बहुत बढ़िया फर्स्ट शो हाउसफुल था। आपने देखा गेटी में लगी पिक्चर, गैलेक्सी में लगी जेमिनी, तीनों में शो कैंसिल बिकॉज कोई पब्लिक ही नहीं थी, बट ये पिक्चर हाउसफुल हुई। फैक्ट्री कैसे लगी आप? अरे एकदम माइंड ब्लोइंग थी, मतलब जो माला दारू पाई जाए ना वैसे ऐसे लग रहा था झूमने का मन किया पूरा। ओके आपको कैसे लगी फैक्ट्री? बहुत अच्छा लगा, मजा आया पिक्चर देखने में, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। लास्ट का जो सॉन्ग था ना उसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत हम लोग भी एंजॉय किया है। ओके ओके फैजल खान की एंट्री। हाँ। फैजल खान 20 साल बाद आए। अरे मैं तो अनएक्सपेक्ट, मतलब बोलते ना एकदम इतना स्ट्रांग, इतना एक्टिंग किया ना उन्होंने, मैं तो मतलब हैरान हो चुका हूँ कि एनर्जी इतने इतने बंदे में कैसे। कैसे लगे भाई फैक्ट्री? नहीं दे रहे। ओके फैक्ट्री गुड गुड लवली लवली लवली। आप तो बहुत लंबे से आए, मैंने सुना नासिक से आए पिक्चर देखने को, कैसी लगी? मस्त है, जबरदस्त मस्त। गाना कैसे लगा? मस्त है सब मस्त। और एक्टिंग? मस्त एक्टिंग भी मस्त है। फैक्ट्री कैसी लगी आप? अच्छी लगी, अच्छी लगी। फैजल खान 20 साल बाद आए, बहुत अच्छा लगा। उसका गाना अच्छा लगा, वो लास्ट वाला गाना। ओके ओके माला दारू पाई जाए, ट्राई डे या फ्राइडे माला दारू पाई जाए, बहुत अच्छा लगा। ओके आपको कैसे लगी मैम फैक्ट्री? फैजल खान आफ्टर 20 इयर्स कम बैक। Good, good acting and all. It was good to see him back on the scene. Thank you. अरे फैक्ट्री आग लगा दी बॉस, आग लगा दी। आता दारू पाहिजे, दारू तो पाहिजे बाबा पिक्चर नंतरला, एक नंबर पिक्चर। ठीक है बात है। आपको कैसी लगी? माइंड ब्लोइंग मूवी। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट शो हाउसफुल था। आपने देखा गेटी में लगी पिक्चर, गैलेक्सी में लगी जेमिनी, तीनों में शो कैंसिल बिकॉज कोई पब्लिक ही नहीं थी, बट ये पिक्चर हाउसफुल हुई। और इतने महीनों के बाद थिएटर खुला आज, 7 महीनों के बाद। और फैजल खान 20 साल बाद है, 20 साल के बाद, बट नेगेटिव कम बैक, वेरी गुड। एक्टिंग जबरदस्त की है, और मतलब ऐसा लगा कि पिक्चर गांधी की पिक्चर गिर गई और गिर गई, उसको कोई पब्लिक नहीं है, कोई पब्लिक नहीं। और ये फैजल खान की पिक्चर चल कैंसिल हो गई, और ये पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट हाउसफुल, एक रिकॉर्ड जैसा हो गया। फैक्ट्री मतलब 22 अक्टूबर को महाराष्ट्र में थिएटर खुले और हाउसफुल। आपको किसी लगी? बहुत एक नंबर लगी फैजल खान का, तो मतलब कि मेरे को तो आमिर खान ही लग रहे थे, उनका तो झलक है मतलब भारी था। वो नेगेटिव जैसे मतलब कि एक साइको लवर का उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया आज तक, जितने भी साइको ऐसे टाइप के फिल्म देखे जाए, चाहे वो एक विलेन में जहाँ रितेश देशमुख ने नेगेटिव किया था, बट ये उन सबसे आगे बढ़ गए। बहुत अच्छा लगा गाने, तो वो फ्राइडे फ्राइडे माला दारू पाई जाए समर हिट गाना, तो पहले से यूट्यूब पे हिट हो गया सोशल मीडिया पे, बट माला दारू पाजे इतना ऐसे लग रहा था थिएटर में झूमने का मन कर रहा था। दारू वो पिए बट नशे हम में चढ़ गए। अरे आपसे पूछना चाहूंगा फैजल खान की फैक्ट्री कैसे लगी? मुझे उनका एफर्ट बहुत ही अच्छा लगा, मतलब जिस सिचुएशन से वो निकल के आए, जो उनका पास रहा है, और इतने साल बाद देखो पिक्चर बनाना कोई खाने की बात नहीं है, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, और जिस सिचुएशन से वो आके एक्टिंग जो माला दारू पाजे वो एकदम बेस्ट था। उनका एफर्ट जो एक्टिंग में दिखाई दे रहा था, मुझे सबसे बेस्ट लगा उनका एफर्ट, जो मूवी में उन्होंने एफर्ट डाला है इतना सब कुछ झेलने के बाद, वो एकदम बेस्ट है, हैट्स ऑफ टू दैट। और पिक्चर भी बहुत अच्छी लगी। रोली रैन जो नई हीरोइन है जिसने डेब्यू किया है, वो उनका तो काम एक्चुअल में बहुत अच्छा था, मतलब एज कम्पेयर टू फर्स्ट मूवी बड़ी स्क्रीन पे इतने, क्योंकि ये जो कैमरा है उसके पीछे हजारों लोग खड़े होते हैं, उनके सामने परफॉर्मेंस देना एक अलग बात होती है, तो उनका परफॉर्मेंस माशाल्लाह था, अच्छा था। एज कम्पेयर टू फर्स्ट मूवी इट वॉज अ रियली नाइस परफॉर्मेंस। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे फैक्ट्री के लिए? आउट ऑफ 5 3 स्टार। क्या बात है। आपको कैसी लगी फैक्ट्री? हाँ मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, मेरे को ऐसा लगा मैं PK2 देख रहा हूँ। कोई नया एलियन आया है इस दुनिया में, और उसने अपनी एक स्टोरी अलग अंदाज से बताई, एकदम साइको थ्रिलर। ओके क्योंकि आमिर खान उसमें भी था, उसमें उसकी झलक लग रही थी बिकॉज ऑफ फैजल खान। ऑल द बेस्ट टू हिम एंड हिज टीम आल्सो। क्या बात है। मैं जैसे बहुत लोगों ने कहा 20 साल के बाद इतना अच्छा डेब्यू देना और इतना एफर्ट डाल के डायरेक्शन प्लस एक्टिंग करना, बहुत बहुत सही लगा, बहुत बहुत। फैजल सर को तो बहुत हेड्स ऑफ है, इतना सालों बाद आके ये करना, मतलब माइंड ब्लोइंग, कुछ बता ही नहीं सकते अभी, और कितना आएगा, और फैजल खान सर के और मूवीज देखने हैं, और चलना चाहिए। रोली रैन कैसे लगी? बहुत अच्छा लगा, मीन्स एग्जैक्टली कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है उसके बीच में जो गेम चालू है पूरा मूवी जो इन्वॉल्व होता है, सही था, बहुत सही था। क्या बात, फुल एंटरटेनिंग और फुल इन्वॉल्विंग मूवी था। ओके ओके आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे सबको पूछना चाहूंगा? 4.5। क्या बात, 5 स्टार। क्या बात है मैम, बहुत अच्छा था मूवी। ओके सब लोग ने देखना चाहिए। रॉकिंग
और आप आने वाली फिल्म्स के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा फैजल सर के लिए। ऑल द ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ, आप भी आओ, एंजॉय करोगे मूवी और मस्त है। इतना मतलब कमबैक करना मतलब आसान नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि ऐसा लग रहा था पीके टू जो उन्होंने कहा कि भाई नया एलियन आया है, ऐसा लग रहा है सच में आया है कि एलियन नया है और उसने सच में कमाल कर दिया और आग लगा दी। फैक्ट्री का एक शो लगा गेट्टी गैलेक्सी में, सबको पूछना चाहूंगा। और प्रतीक गांधी की फिल्म रिलीज हुई भवई, जिसका पहले नाम था रावण लीला, उसका शो कैंसिल हो गया, इस पे क्या कहना चाहूंगा? ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने बहुत लोगों ने ट्रेलर देखा था, अभी तक क्वेश्चन मार्क यही कि एक्चुअली ट्रेलर क्या है। और ऑब्वियसली फैजल सर स्टार्टिंग से यूट्यूब पे उनका गाना मचा रहा था, ट्रेंडिंग में था, तो ऑब्वियसली लोगों ने सही चुना और फैक्ट्री को आए और लोगों का रिएक्शन अभी आपके सामने सब ने मतलब बोलते ना 4.5 स्टार पब्लिक कड़क रिएक्शन आ रहा है फैजल खान की फैक्ट्री के लिए। ऑफ कोर्स आएगी बिकॉज फैजल खान आमिर खान के भाई है, उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छा की है एक साइको लवर का, तो उन्होंने तो मतलब कि धूम मचा दी। और पिक्चर में तो मतलब कि पूरा, हाँ एक चीज़ है, ऑलमोस्ट 90% पिक्चर एक फैक्ट्री के अंदर, एक छोटा सा फैक्ट्री के अंदर बनाई है, फिर भी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, एक भी ऐसा सेकेंड नहीं जो जहाँ मतलब कि ऑडियंस का नज़र मतलब कि वो पिक्चर से हाँ स्क्रीन से बाहर हट जाए, मतलब वो सबसे बड़ी बात है। एंड दैट इज़ फैजल खान। वो आमिर खान का एक पिक्चर में वो कैटरीना कैफ से बोलते हैं, अगर तुमने 5 मिनट देता हो, 1 मिनट 1 सेकंड भी मेरा नज़र हटी तो यू आर आउट। सेम ऐसे ही पब्लिक का नज़र 1 सेकंड भी नहीं हटा उनके यहाँ से, तो दैट्स अ स्पिरिट मतलब कि जो फैजल खान ने मतलब दिखाए है, उन्होंने प्रूव कर लिया कि वो आमिर खान के भाई है रियली। ओके सो दिस इज ऑसम रिव्यूज कमिंग आउट फॉर फैक्ट्री। मैं तो बहुत लेट आ गया अभी फिलहाल तो, लेकिन क्रेडिट देख रहे थे क्या? मैं तो सबको देख रहा था कि ऑडियंस कब तक है, इसलिए मैं अब देर से आया। मैं माय गॉड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम ये थिएटर में फिल्म देखने आया। गेटी गैलेक्सी मतलब एक मंदिर आएगा, मंदिर में बोलते ना चरण छू गए बस, और फैजल खान के इतने बड़े पर्दे पे देखना मतलब जन्नत नसीब हो गया यार, मजा आ गया। मतलब वो जो गाना वो फ्राइडे और आज भी फ्राइडे ही है बस, फ्राइडे है तो फ्राइडे और दारू पीने वाले आज तो मतलब भले हम लोग पीते नहीं लेकिन एक चीज क्या ट्राई करने में क्या हर्ज है। ऑसम रिव्यूज कमिंग आउट फॉर फैक्ट्री। मजा आ गया मतलब गला बैठ गया सब लोग का, पीछे से जो आवाज आ रहा है चिल्ला रहे और मतलब एक 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 पंचेस क्या डायलॉग पे आया है, मजा आ गया यार। फैजल खान ने तो मतलब पहले दिन पे हाउसफुल कर दिया यार, मजा आ गया। प्रतीक गांधी ने 2020 में स्कैम किया था, इधर फैजल खान ने स्कैम कर दिया भाई, पूरा सबको हिला दिया बॉस। और गेटी गैलेक्सी में हाउसफुल करना बहुत बड़ी बात है यार, मजा आ गया। हम अपील करेंगे ऑडियंस भी कम से कम एक बार तो देखे इधर आके। यस, और मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि दारू उन्होंने पहला दारू उन्होंने वह नशे हम में चढ़ गए, सच में ऑडियंस नशे में थी आज। और सच बता रहा हूँ मैं कि अभी थिएटर आज से शुरू हो गए, OTT का अभी जमाना जो चल रहा है उसको उड़ा दो, थिएटर में आओ, इधर का फील देखो, एक्सपीरियंस करो, बहुत साल के बाद अभी थिएटर चालू हो गए तो मजा ही मजा आएगा यार। लास्ट टाइम जाते हैं सबको मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि वो एक बार गाना एक लाइन बोल दो, फ्राइडे हो ड्राइडे हो मला दारू पाहिजे। 15 का शो है एट गेटी गैलेक्सी, महाराष्ट्र में भी रिलीज हुई है पिक्चर, फर्स्ट डे जो लगी है हाउसफुल हो गई है। सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि जाइए देखिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू।